इंदौर प्रेस क्लब से प्रेरित होकर देपालपुर प्रेस क्लब द्वारा नोबल कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए क्षेत्रीय पत्रकारों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव्स, हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन दवा उपलब्ध कराई गई। प्रेस क्लब अध्यक्ष दिलीप यादव का कहना है कि शिवराज सरकार केवल शासन प्रशासन के अधिकारियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हर वह सुविधा उपलब्ध करवा रही है जो उन्हें आवश्यकता लगने पर संक्रमण फैलने पर बचा सकता है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए तो व्यवस्था की गई है, लेकिन पत्रकारों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कोई आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई है। यह सरासर गलत है। हमने स्वास्थ्य विभाग की मदद से देपालपुर के पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीशों और समाज सेवियों के घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, हाइड्राक्लोरीक्विन दवाई उपलब्ध करवाई है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जैन, नसूस थाना संयोजक रमेश चंद्र राठौड़, श्री राम बरोड़, प्रेस क्लब सचिव संदीप सेन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी प्रबुद्ध जनों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई। देपालपुरा से विशाल चांदना की रिपोर्ट। नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज देपालपुर प्रेस क्लब द्वारा इंदौर प्रेस क्लब से प्रेरित होकर नगर के क्षेत्रीय ग्रामीण पत्रकारों के लिए हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स एवं हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवाइयों का वितरण किया। उस दवाइयों दवाई देने के साथ साथ उन्हें दवाई का उपयोग कैसे करना है इस तरह की भी समझाइश दी। इसी को लेकर आज हमने नगर के समाज सेवियों, शिक्षाविदों, न्यायाधीशों और एवं पुलिसकर्मियों के साथ साथ पत्रकारों को भी यह सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। दिलीप यादव, अध्यक्ष, देपालपुर प्रेस क्लब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।